और यहाँ पर बात करते हैं अहम खबर की। तालिबान की आतंकी संगठन आईएसआईएस पर बड़ी कार्रवाई, एक महीने आईएसआईएस के 250 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, कई जगहों पर बम ब्लास्ट करने की साजिश नाकाम हुई, ये बड़ी खबर। कुंदूज और कंधार आतंकी हमले के बाद ये गिरफ्तारियां की गई हैं और आतंकी संगठन आईएसआईएस के ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, शिया मस्जिदों पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, साथ ही धमकी भी दी थी कि आगे भी शिया मुसलमानों को खोज खोज कर मारेंगे। ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई जो है कुंदूज कंधार आतंकवादी हमले के बाद हुई है। कश्मीर में जारी आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की शह के बगैर संभव नहीं, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने ये बातें कही। एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा पाकिस्तान की टटोलियों की कारस्तानी है। सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 महीने में घुसपैठ की कोशिशें और आतंकवादी हमले बढ़े हैं और इन गतिविधियों को हमारा पश्चिमी पड़ोसी प्रायोजित कर रहा है। नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान अफगानी आतंकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। पाकिस्तान का पश्चिमी मोर्चा अस्थिर बना हुआ है, वो अफगानिस्तान के अशांत जल में मछली पकड़ रहा है, ये मछली भविष्य में उसे काटेगी।